आज केंद्र की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में किसानों के लिए कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-2026 के लिए एमएसपी को लेकर भी फैसला लिया है। बता दें कि कैबिनेट ने 6 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के लिए लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि फसलों की एमएसपी पर 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का इजाफा किया गया है। वहीं फसलों की मार्जिन लागत में भी 50% का इजाफा किया गया है। रबी की 6 फसलों में गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और सनफ्लावर सीड्स के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए सरकार 87,657 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार किसानों से जिस न्यूनतम दर पर फसलों की खरीद करती है उसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। बाजार में इन फसलों का रेट सरकार के एमएसपी से कम या ज्यादा हो सकता है। एमएसपी का सीधा ताल्लुक फसलों की सरकारी खरीद से होता है। सरकार देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कृषि उपजों की खरीद करती है और फिर उन्हें सरकारी गोदामों में रखती है।